सबके अंदर इंसानियत है, इवन इट डजंट मैटर फ्रॉम विच कम्युनिटी फ्रॉम विच रिलीजन ही बिलोंग्स, अगर उसके अंदर इंसानियत है, अगर वो क्रिश्चियनिटी में बिलीव करता है, अगर वो हिंदुइज्म में बिलीव करता है, किसी भी धर्म में बिलीव करता है, आई बिलीव हिज रिलीजन टीचर्स ह्यूमैनिटी कि इंसानियत किसको बोलते हैं, उसके अंदर थोड़ा पर भी इंसानियत है तो वो ज़रूर हमेशा गाजा के साथ खड़ा होगा, फलस्तीन के साथ खड़ा होगा, ये इसराइल आतंकवादी देश के साथ खड़ा नहीं होगा। और मैं नितन्याहू को कहना चाहता हूँ, हर कट्टरपंथी का तुम इतिहास उठाकर देख लो, तुम कट्टरपंथी ज़्यादा दिन नहीं चलता है, ये बहुत बड़े बड़े कट्टरपंथी इतिहास मैप से मिट गए, आज उनका नाम लेने वाला कोई नहीं है। और इस्लाम को तुम मिटाओगे, इस्लाम को मिटाते मिटाते यजीद मिट गया, फिरौन मिट गया, कारून मिट गया। मैं चाहता हूँ कि तुम एक बात याद रख लो, जुल्म करते करते थक जाओगे, लेकिन फलस्तीन का एक एक बच्चा जब अपना माँ का कोख से पैदा लेता है तो मर्द मुजाहिद पैदा होता है, तुम मर्द मुजाहिद को कभी खत्म नहीं कर सकते हो, तुम उनको खत्म करते करते तुम निस्त नाबूद हो जाओगे, तुम मिट्टी में मिल जाओगे और इंशाल्लाह ताला तुम मैप से भी हट जाओगे। आज बताइए, यूएसए जब इराक में अटैक करता है वो अमेरिका के लिए अपने देश के लिए लड़ रहा है, जब रशिया यूक्रेन में अटैक करता है वो अपने देश के लिए लड़ रहा है, जब यूके यूएस और इवन देयर आर मेनी यूरोपियन कंट्रीज व्हेन दे अटैक यमन, तब जब यमन में जेनोसाइड करता है वो लोग अपने देश के लिए लड़ता है, और जब इजराइल फिलिस्तीन को मारता है वो इजरायली सोल्जर्स, यू कॉल देम कमांडोज, यू कॉल देम सोल्जर्स एंड यू कॉल देम फ्रीडम फाइटर्स, उसके बाद जब हमास अटैक करता है आप उसको आतंकवादी बोलते हो, दिस इज अ हिपोक्रेसी। यहां बहनों से गुजारिश करता हूं, आप काफी सारे मेकअप का सामान प्रोडक्ट इस्तेमाल करते, क्या आप उसको अल्टरनेट नहीं ढूंढ सकते? अभी तो कंपटीशन चलता है, अरे हर एक के बदले दूसरा है, दूसरा का बदले तीसरा है, सैकड़ों यहां पे प्रोडक्ट है। अरे मैं अपना मां बहनों से गुजारिश करना चाहता हूं, और बड़ी माजरत के साथ मैं कहना चाहता हूं कि आपके अंदर गैरत चले गई क्या? हाँ, वहां पे बच्चों को मारा जा रहा है, शाम में लिपस्टिक लगा के मेकअप में घूम रहे, आपको थोड़ा सा भी दुख नहीं होता है, दर्द नहीं होता है? और हमारे मुसलमान भाई शाम होते कैफे चले जाते, डिस्को चले जाते, अय्याशी करते, लेकिन नहीं सोचते हो? थोड़ा एहसास करो मेरे भाई, वो बच्चों को जब तुम तड़पते हुए बच्चों को जब तुम देखते हो तुम रोते हो, हर इंसान कह रहा है कि दर्द हो रहा है, दुख हो रहा है, लेकिन मेरे भाई सोचो उन लोगों के साथ क्या बीतता होगा। उन 10 साल से किस तरीके से मारा जा रहा है, बच्चों को मारा जा रहा है, वो वीडियो देख के आँख में आंसू आ जाते हैं, दिल दहल जाता है। इस तरीके से तुम जुल्म करोगे, तुमने वॉर का जो रूल्स होता है, रेगुलेशन है, उसको तुमने तोड़ दिया। तुम जहाँ तो हस्पताल में तुम अटैक कर रहे हो, तुम पानी बंद कर दिया, तुमने बिजली बंद कर दिया, तुमने खाना बंद कर दिया, तुम हर चीज़ बंद करते हो, वॉर में जो शेल्टर बनता है उस शेल्टर के पास तुम हमला कर रहे हो। अरे तुम क्या करना चाहते हो? कहाँ के वो इंसानियत की बात करने वाले, कहाँ के यूनाइटेड नेशन, कहाँ के जो ह्यूमैनिटी का बात करते? आज अमरीका उसके साथ खड़ा है, आज ये जो तुम को भगा रहा था हिटलर जब तुमको मार के भगा रहा था यही अमेरिका तुमको ही भगाया था जो इसराइल जो फलस्तीन तुमको जगह दिया तुमको रहने के लिए जगह दिया तुम उसको बोलते हो कि आज तुम उसको पर जुल्म करोगे ये जुल्म चलने वाला नहीं है मैं कहना चाहता हूँ कि तुम एक बात याद रख लो जुल्म करते करते थक जाओगे लेकिन फलस्तीन का एक एक बच्चा जब अपना माँ का कोख से पैदा लेता है तो मर्द मुजाहिद पैदा होता है, तुम मर्द मुजाहिद को कभी खत्म नहीं कर सकते हो, तुम उनको खत्म करते करते तुम निस्त नाबूद हो जाओगे, तुम मिट्टी में मिल जाओगे और इंशाल्लाह ताला तुम मैप से भी हट जाओगे। आज बताइए, यूएसए जब इराक में अटैक करता है वो अमेरिका के लिए अपने देश के लिए लड़ रहा है, जब रशिया यूक्रेन में अटैक करता है वो अपने देश के लिए लड़ रहा है, जब यूके यूएस और इवन देयर आर मेनी यूरोपियन कंट्रीज व्हेन दे अटैक यमन, तब जब यमन में जेनोसाइड करता है वो लोग अपने देश के लिए लड़ता है, और जब इसराइल फिलिस्तीन को मारता है वो इजरायली सोल्जर्स, यू कॉल देम कमांडोज, यू कॉल देम सोल्जर्स एंड यू कॉल देम फ्रीडम फाइटर्स, उसके बाद जब हमास अटैक करता है आप उसको आतंकवादी बोलते हो, दिस इज अ हिपोक्रेसी, ये चलने वाला नहीं है, ये दोगलापन नहीं चलने वाला है। और मैं पूरा दुनिया का उन लोगों को कहना चाहता हूँ जो डेमोक्रेटिक कंट्री खुद को कहते हैं, जो इंसानियत की बात करते हैं, कहाँ गए आज वो? नजर नहीं आते तुम्हें? आए दिन दंगा हो रहा है, एयर स्ट्राइक कर रहे हो, बम मार रहे हो, पहले तुम एयर स्ट्राइक कर रहे थे, अब तुम जमीन में घुस कर तुम हमला कर रहे हो। और मैं इन मुसलमान जितना ममालिक है, जितना कंट्री है, मैं इन लोगों से कहना चाहता हूँ, कितना दिन आप सिंपैथी का मैसेज देते रहोगे, कितना दिन आप बतौला करते रहोगे? व्हेन यू आर गोइंग टू डू एक्शन मैन, व्हेन यू आर गोइंग टू टेक एक्शन अगेंस्ट इजराइल, अगेंस्ट दिस टेररिस्ट? कब करोगे? जिसके अंदर इंसानियत है, इवन इट डजंट मैटर फ्रॉम विच कम्युनिटी फ्रॉम विच रिलीजन ही बिलोंग्स, अगर उसके अंदर इंसानियत है, अगर वो क्रिश्चियनिटी में बिलीव करता है, अगर वो हिंदुइज्म में बिलीव करता है, किसी भी धर्म में बिलीव करता है, आई बिलीव हिज रिलीजन टीचर्स ह्यूमैनिटी कि इंसानियत किसको बोलते हैं, उसके अंदर थोड़ा पर भी इंसानियत है तो वो ज़रूर हमेशा गाजा के साथ खड़ा होगा, फलस्तीन के साथ खड़ा होगा, ये इसराइल आतंकवादी देश के साथ खड़ा नहीं होगा। और मैं नितन्याहू को कहना चाहता हूँ, हर कट्टरपंथी का तुम इतिहास उठाकर देख लो, तुम कट्टरपंथी ज़्यादा दिन नहीं चलता है, ये बहुत बड़े बड़े कट्टरपंथी इतिहास मैप से मिट गए, आज उनका नाम लेने वाला कोई नहीं है। और इस्लाम को तुम मिटाओगे, इस्लाम को मिटाते मिटाते यजीद मिट गया, फिरौन मिट गया, कारून मिट गया, हमारे इमाम
हुसैन अलैहिस्सलाम कर्बला में लड़े इस्लाम के लिए, और आज तुम सोचो हमें मिटाओगे, ये सब करके तुम मुसलमान को मिटाओगे, ये सब करके तुम हमें डराओगे। अरे डरने डराने वाले चले गए, मुसलमान किसी का बाप से नहीं डरता है। आज फलस्तीन में बच्चा बच्चा लड़का, जो 4 महीना का बच्चा, 4 साल का बच्चा AK-47 के सामने सीधा टांगे खड़ा होता है, उसको बोलते हैं मुसलमान, उसको बोलते हैं जज्बात, उसको बोलते हैं पावर, उसको बोलते हैं ईमान का पावर। और आज हम हिंदुस्तान का मुसलमान 40 करोड़ है, आए दिन लिंचिंग होता, हम जुबान नहीं खोलते, जुबान नहीं खोलते। वहाँ पे देखो लाखों में है, कितना है, 20-25-30 लाख है, उससे ज़्यादा आबादी नहीं है, बट दे आर फाइटिंग फॉर देयर राइट्स। क्यों लड़ रहे हैं? उन लोग का अंदर ईमान है, उन लोग लड़ रहे हैं अपने हकूक के लिए, हक के लिए लड़ने ही जानते हैं। लोग आज बहिष्कार करने निकले हैं ब्रदर, तो बहिष्कार करने से होगा क्या? देखिए बहिष्कार करने से यही होगा शायद आपका, आप मेरा सोचिए, बहन का एक प्रोडक्ट है, यह बनाती है, ठीक है, अब इसका प्रोडक्ट हम खरीद के आपका घर में मार रहे, आपको शायद अच्छा लगता होगा, आपका घर का बच्चा को, माँ को, बहन को मारा जाएगा, मस्जिद में घुस के अटैक करेगा, तो आप जैसे दलाल पत्रकार को शायद मज़ा आएगा, इसके मकबूल को मज़ा नहीं आएगा। आप सोचिए, मैं मानता हूँ इसराइल इस तरीके से हमारे ज़िंदगी में, डेली लाइफ में घुस चुका है, जिसके कारण हो सकते हैं आउट ऑफ 10 वी कैन नॉट बॉयकॉट ऑल 10 ऑफ देम, बट एटलीस्ट वी कैन बॉयकॉट 5-5 तो कर सकते हैं ना। आज मैगी, इज़ इट नेसेसरी टू ईट मैगी? क्या ज़रूरी है? मैगी का बिजनेस बहुत बड़ा है, KFC का बिजनेस बहुत बड़ा है, मैकडोनल्ड्स, ऐसा बहुत सारे प्रोडक्ट है जो कि जहन मार है, लेकिन उसका मैं मतलब मेरे पास एविडेंस नहीं है क्या वो सर्टिफाइड वही सब प्रोडक्ट की। अगर आप बंद कर सकते, पेप्सी क्या पीना नेसेसरी है? कोका कोला पीना नेसेसरी है? मैं अपना माँ बहनों से गुजारिश करता हूँ, आप काफ़ी सारे मेकअप का सामान प्रोडक्ट इस्तेमाल करते, क्या आप उसको अल्टरनेट नहीं ढूंढ सकते? अभी तो कंपटीशन चलता है, अरे हर एक का बदले दूसरा है, दूसरा का बदले तीसरा है, सैकड़ों यहाँ पे प्रोडक्ट है। अरे मैं अपना माँ बहनों से गुजारिश करना चाहता हूँ, और बड़ी माजरत के साथ मैं कहना चाहता हूँ कि आपके अंदर गैरत चली गई क्या? हाँ, वहाँ पे बच्चों को मारा जा रहा, शाम में लिपस्टिक लगा के मेकअप, आपको थोड़ा सा भी दुख नहीं होता है, दर्द नहीं होता है? और हमारे मुसलमान भाई शाम होते कैफे चले जाते, डिस्को चले जाते, अय्याशी करते, लेकिन नहीं सोचते हो थोड़ा एहसास करो मेरे भाई, वो बच्चों को जब तुम तड़पते हुए बच्चों को जब तुम देखते हो तुम रोते हो, हर इंसान कह रहा है कि दर्द हो रहा है, दुख हो रहा है, लेकिन मेरे भाई सोचो उन लोगों के साथ क्या बीतता होगा, उनके साथ क्या होता होगा जिसके साथ बीत रहे हम उतना दूर से यहाँ देख कर, जब हमें तकलीफ हो रहा है तो उनके साथ क्या होता है। तो आज हमारा वक्त आ चुका है कि आज हम सबको, जितना आज अफसोस दुख की बात यह है कि आज कलकत्ता शहर बोलिए या हिंदुस्तान में किसी भी जगह प्रोटेस्ट हम लोग देखते हैं, टुकड़ों में बटे हुए हैं, बहुत दुख की बात है, बहुत दुख की बात है, टुकड़ों में बटना नहीं चाहिए। आज एक मिनट, आज आप पूरा दुनिया का प्रोटेस्ट देख लीजिए और हमको दिखा दीजिए वो प्रोटेस्ट का तादाद कितना है और उस कंट्री में मुसलमान का परसेंटेज कितना है, दिखाइए आप मुझे, चैलेंज करता हूँ आपको, लाखों में वो लोग एक 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 साथ दिखेंगे जो सब अपना नारा लगा रहे, सब प्रोटेस्ट कर रहे, क्योंकि वहाँ पे किसी को नेता बनना नहीं है, वहाँ पे किसी को चेहरा चमकाना नहीं है, वो लोग फलस्तीन के लिए लड़ ले, वो लोग उम्मत के लिए लड़ ले, वो लोग हक के लिए लड़ ले, जुल्म के खिलाफ लड़ ले। और हमारे यहाँ कलकत्ता में, हिंदुस्तान में, हम करेंगे तो नहीं जाएंगे, वो करेंगे तो नहीं जाएंगे, वो क्यों आया, ये क्यों आया, ये गलत सोच है, ये मानसिकता गलत है, नहीं हो रहा है, एकदम नहीं हो रहा है जिस लेवल में होना चाहिए। आप एक बात बताइए, कोई एक संगठन है जिसका करोड़ों में तादाद है, उसका तादाद करोड़ों में है, कोई संगठन है जिसका तादाद करोड़ों में, लेकिन कल वो लोग प्रोटेस्ट करते लाखों भी लोग नहीं आते, 2-3 हज़ार में सीमित हो जाते, इसका मतलब क्या कर रहे हो आप, क्या कर रहे हो आप? इसका मतलब वहाँ पे कुछ 2-4 लोग जो ये सब प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करके अपना चेहरा चमकाने मांगते, हीरो बनने मांगते, सुन लो कान खोल कर, हीरो सिर्फ अल्लाह जिसे चाहेगा वही बनाएगा और जनता जिसे चाहेगा उसे हीरो बनाएगा। तुम 2-4 प्रोग्राम करके 2-4 आलिम उलमा को सामने रख के सोचो हीरो बनोगे, जीरो बन जाओगे तुम, ये मानसिकता हटाओ। अगर सच में दिल में कौम के लिए मोहब्बत है ना, तो हो सकता है तुम हमसे छुपा लोगे, हो सकता है हमारे भाइयों से छुपा लोगे, लेकिन अल्लाह के सामने तुम वो चीज़ छुपा नहीं पाओगे। अल्लाह ताला ठीक देखते हैं कौन बंदा सच में फलस्तीन के लिए है, कौन बंदा जुल्म के खिलाफ है, कौन बंदा मजलूम के साथ है, और कौन जो है अपना दलालीगिरी कर रहा है यहाँ पे।